अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हो और कुछ दिन में आप क्लास 12th में जाएंगे, आप क्लास 12th का न्यू बैच चाहते हैं, तो हमने क्लास 12th का न्यू बैच शुरू कर दिया है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, उनका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। अब जो है कि आपको इस चैनल पर क्लास 12th मैथ्स की सभी चैप्टर का जो है थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फलन, फलन क्या है। उसके बाद अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप फलन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर हम काफी इजी तरीके से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन डेट मीन्स क्या हो गया, ये फलन, इनका हिंदी क्या होता है, फलन। देखो जैसे आप लोगों को हम रिलेशन पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं रिलेशन? Yes. तो रिलेशन, रिलेशन हम किसे कहते हैं, आर सबसेट एक्रॉस बी, आर सबसेट एक्रॉस बी। तो आर को हम ऐसे भी में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं ना। तो ये फलन भी जो है एक प्रकार का संबंध है। फलन क्या है, एक प्रकार का संबंध, समझ गया ना। तो हम क्या करते हैं कि रिलेशन को एक विशेष कंडीशन के तहत बांध देते हैं, समझ गया ना। तो वही क्या कहलाता है, फलन। यानी रिलेशन ही क्या कहलाता है, फलन। और इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। तो देखो फलन का परिभाषा इस प्रकार से होगा कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f a से b में एक फलन फलन है यदि इच एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक इमेज इन a इन b, समझ गया ना। तो a के प्रत्येक एलिमेंट का, a के प्रत्येक एलिमेंट का b में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, b में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी f a से b में क्या फलन कहलाता है, f a से b में फलन कहलाता है, फलन कहलाएगा यदि a के प्रत्येक एलिमेंट का b में क्या हो, अद्वितीय अद्वितीय प्रतिबिंब हो। और यहाँ पर a और जो b है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, कौन सेट होगा, नॉन एम्प्टी। जैसे यहाँ पर हम लिए है ना जी a टू b, तो a और b क्या है, सेट है, a और b क्या है, सेट है, समुच। और ये कौन समुच है, नॉन एम्प्टी, ये कौन समुच है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए हम क्या लिखा है कि ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेगा उसका जो है एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब रहेगा बी में, समझ गया ना। एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब, यानी ए के एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, एक जो है एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन। अद्वितीय मतलब क्या, देखो ये होता है ना अद्वितीय जी, नहीं होता है वो द्वितीय। तो देखो ओ मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं। ओ मतलब होता है नहीं, द्वितीय मतलब क्या हो गया, दूसरा, द्वितीय मतलब दो, दो दूसरा जी सर, या दूसरा या दो। तो नहीं दूसरा मतलब क्या, दूसरा प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी अकेला। और द्वितीय मतलब क्या हो गया, अकेला, समझ गया ना। और द्वितीय मतलब अकेला, समझ गया ना। यानी एक का जो है एक ही प्रतिबिंब रहेगा, एक का क्या होगा, एक ही। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। तो परिभाषा है कि एफ क्या हो, ए से बी में एक फलन हो, एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, या फलन होगा यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज हो, अद्वितीय प्रतिबिंब, समझ गया ना। यानी ए का, ए के प्रत्येक, ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज बी में नहीं हो, ये कहने का अर्थ हो गया। अब इस पर हम आधारित 4 से 5 एग्जांपल लेंगे, तुम लोग समझ जाएगा कि फंक्शन क्या है। ये आपका क्या हो गया एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में जैसे सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया ना, ये क्या हो गया सेट बी। मान लेते हैं सर जी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं, हाँ ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, समझ गया ना। देखिए एफ करण ए से बी में क्या हो, फलन हो, ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी, एफ जो है ए से बी में फलन है। अब देखो सेट ए का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, सेट ए का एलिमेंट एक्स वाई जेड, सेट बी का एलिमेंट ए बी सी। तो देखो एक्स किससे संबंधित है, ए से, है ना, यस। एक्स का जो है
ये क्या हो गया, इमेज हो गया। एक्स का क्या हो गया, ये इमेज। और वाई क्या हो गया, इमेज। वाई का इमेज क्या हो गया, बी। और जेड का इमेज क्या हो गया, सी। अब देखो एक्स का पहुंच कहाँ तक है, ए तक। एक्स का रेंज भी ए काल आएगा। एक्स का क्या कहेंगे, और y देखिए y का पहुंच कहाँ तक है, बी तक। देखो y का इमेज भी हुआ और y का रेंज भी हुआ, समझ गया ना। रेंज भी क्या हो गया, बी होगा। नहीं बोलता है ये, हम तुम्हारा देखते हैं कि तुम्हारा रेंज कहाँ तक है, तो और पहुंच तक है। मान के कोई मधेपुरिया तक आया तो उसका पहुंच कहाँ तक होगा, मधेपुरिया तक ना जी, उसका बीजे तक पहुंच। तो पहुंच नहीं होता है, किसी का मंत्री, किसी को एकदम विधायक, ऐसे होता है ना जी, मंत्री विधायक के पास भी पहुंच होता है ना। तो सबका पहुंच सब उसी प्रकार से, जेड का पहुंच कहाँ तक है, सी तक, समझ गया ना, जिनको हम परिसर बोलते हैं। तो जेड का इमेज क्या हो गया, सी। और जेड का रेंज भी क्या हो गया, सी। अब देखो लिखना चाहो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। हिंदी क्या होता है, प्रतिबिंब। या और ये रेंज भी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेंज। जिनका हिंदी क्या होता है, परिसर। अब देखो ये जो सेट भी है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्रांत। कोडोमेन सप्रांत, हिंदी क्या होता है, सप्रांत। उसके बाद देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। प्रांत सेट ये क्या कहलाता है, डोमेन। यदि एफ ए से बी में फलन हो तो सेट ए को हम क्या कहेंगे, डोमेन। और सेट बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। समझ गया ना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रांत, डोमेन। अब देखो ये जो हो गया एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। देखो हम कहेंगे एक्स का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, तो ए हो जाएगा। देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, एक्स। ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, एक्स। बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, वाई। सी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, जेड। समझ गया ना, ये एक्स वाई जेड क्या कहलाएंगे, तुलना में पूर्व प्रतिबिंब। समझ गया ना, ए बी सी क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब। ए बी सी क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब या रेंज। प्रतिबिंब या रेंज, समझ गया ना। तो ए प्रतिबिंब, एक्स पूर्व प्रतिबिंब, समझ गया। अब चलो इसके आधार पर हम ये तो एक एग्जांपल को देख लिया। अच्छा देखो तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए में एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो देखो तीन एलिमेंट है ना जी, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब बी में है कि नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, फलन। फलन कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या, ए का अकेला। देखो x का अकेला प्रतिबिंब क्या है, ए है ना, और y का अद्वितीय प्रतिबिंब क्या है, ये। अगर मान के चलो तो y जो है c से रिलेटेड हो जाए तो क्या अद्वितीय होगा, दोनों को न हो जाएगा जी, जी सर। परिभाषा का विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया, प्रत्येक यानी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। z का देखो जी, y का c में रहता है, z का b में रहता है, ऐसा भी होगा क्या जी, ऐसा होगा कभी की उठी है, वाई जो है सी से रिलेटेड रहेगा जेड बी से। कौन वाई सी से, ये वही वाई, हाँ ये कोना कोनी क्यों होगा, यस। समझ गया ना, एक्स मान के चलो सी से हो जाएगा, इससे नहीं मतलब, मतलब एक को एलिमेंट खाली न रहना चाहिए, सबका सबका देखो एक प्रत्येक एलिमेंट का जो है इमेज होना चाहिए, यस सर। समझ गया ना, यहाँ पर पांच को व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, जैसे हम खड़ा है, तुम भी खड़ा हो गया, ये बल्ब जल रहा है, दिख रहा है ना, तो क्या एक को प्रतिबिंब बनेगा, पांच व्यक्ति का न, पांच को छाया नहीं बन जाएगा जी, जी प्राप्त होगा ना, जी सर। तो वही चीज ना है कि मान के चलो ए में जितना भी रहेगा सबका, समझ गया ना, सबका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बी में बच जाए तो कोई मतलब नहीं है, इसको उतार लिया है, उतार तो उतार दूसरा एग्जाम्पल, समझ गया ना जी सर। तो अब हम क्या करते हैं कि दो सेट ले लेते हैं जी सर, पुनः एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन। एफ मतलब एफ फोर फंक्शन, एफ फोर फंक्शन, फंक्शन में मतलब क्या हो गया, फलन। फलन तो देखो इसमें हम लेते हैं एक दो तीन, और इसमें लेते हैं दो तीन चार पाँच, एक दो से संबंधित है, एक का इमेज दो है, यानी एक का रेंज दो है, दो का रेंज तीन है, तीन है, तीन का रेंज चार, तीन का रेंज क्या है, चार, चार है, या तीन का इमेज बोलो, रेंज और इमेज एक ही चीज होता है, वो रेंज होता है, वही क्या होता है, इमेज भी होता है।
अब देखो बी में एगो एलिमेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना जी, तो वो इसको लिखो फलन होगा, फलन होगा, इसमें क्या लिखो फलन होगा, लिखो कैसे होगा, क्योंकि इसका ये प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब एक प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब है ना, परिभाषा को एकदम टेली कर दिया ना, नहीं कर दिया सेटिस्फाई जी, जी सर, एक ही देखो परिभाषा क्या है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का, तो ए में प्रत्येक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ए में तीन एलिमेंट ने जी, एक दो तीन, तीन गो एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट का एक गो इमेज भी में है कि नहीं है, अद्वितीय मतलब क्या, एक एक इमेज, एक एक इमेज, एक अद्वितीय मतलब क्या, एक अकेला दूसरा नहीं हो, हो गया ना जी सर, तो देखो बी में मिला कि नहीं मिला जी, तो यहाँ पर लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा, आप क्योंकि में क्या लिखेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, देखो बी में एलिमेंट बच गया कि नहीं बच गया है, फिगर उतारने के बाद लिख लेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब बी में है, और बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, नहीं है, इतना चीज लिख लो ये फिगर उतार के, जैसे सेट ए है, ये सेट ए हो गया और यहाँ पर एक सेट बी है, हो गया ना, ऐसे आप जो है ए से बी में क्या लेते हैं, एक फलन लेते हैं, वो एक इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें दो और तीन एलिमेंट है, एक दो से संबंधित है, दो किस से संबंधित है, तीन से, तो बोलो ये फलन होगा, ये फलन होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट ना, ए का प्रत्येक एलिमेंट तीन बिन आ रहा है, प्रत्येक में क्या आ रहा है, तीन बिन आ रहा है, क्या तीन का इमेज है जी में, नहीं है, तो ये आपको फलन नहीं होगा, देखो कि फलन नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट तीन का बी में कोई इमेज नहीं है, एलिमेंट ये जो थ्री है इसका कोई इमेज बी में है नहीं है, यानी बी में बच जाए एलिमेंट उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और लिखना चाहो तो एक चीज ये लिख लो कि बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, समझ गया ना, आप देखो इसका चौथा फैक्ट जो है, जैसे दो सेट पुनः हम ले लेते हैं, एफ ए से बी में क्या है कलन है, अब देखो वन लेते हैं, माइनस वन लेते हैं, टू लेते हैं, वन ये यहाँ पर फोर हो गया, वन किससे रिलेटेड है, वन से, माइनस वन भी किससे रिलेटेड है, वन से, ये देखिए टू किससे रिलेटेड हो गया, फोर से, तो बोलो ये फलन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा जी सर, होगा, यस सर, फलन होगा, फलन है, एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फलन है, दो एलिमेंट एक प्रतिबिंब बना सकता है, हाँ यानी दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, समझ गया ना, इसमें लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा, क्योंकि एक के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है, एक के देखो एक का दो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का बन सकता है, एक के दो एलिमेंट का, एक के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है, एक के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है, अब देखो कैसे होता है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस वन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, माइनस वन, तो एक आ तो माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो गया, वन होगा, एफ वन लेते हैं, वन का स्क्वायर क्या हो गया, तो देखो ये जो है माइनस वन और वन, ये यहाँ पर लेते माइनस वन वन, इसका एलिमेंट ये इसका इमेज क्या बन रहा है, वन बन रहा है, बन रहा है ना, ये संभव है ना, एक के दो एलिमेंट का एक इमेज बी में हो सकता है, समझ गया ना, इसलिए ये क्या होगा, फलन होगा, ये चीज उतार के फिगर उतारेगा, लिखेगा फलन होगा, क्योंकि एक के दो एलिमेंट का
बी में एक प्रतिबिंब हो सकता है। और पांचवा फैक्ट जो है इसका, जैसे दो सेट कोनो हम लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लिए, एफ जो है ए से बी में क्या है फलन, देखो कैसे पड़ेगा एफ ए से बी में फलन, एफ ए से बी में फलन। आप देखो इसको हम लिखते हैं कैसे, जैसे एफ ए से बी में फलन हो, एफ ए से बी में फलन हो तो कैसे लिखते हैं, एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी, समझ गया ना, एफ हो गया ये क्या हो गया सच डेट ए टू बी, एफ ए से बी में फलन है। देखो एफ सच डेट एफ फोर फंक्शन, एफ फोर फंक्शन, फंक्शन मीन्स फलन, तो एफ ए से बी में क्या होगा फलन। इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, भाषाई के रूप में जो लिखोगे कि एफ ए से बी में फलन है, इस प्रकार से लिख दो तो इसका अर्थ यही हुआ कि एफ ए से बी में क्या है फलन है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो ले लिए, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक दो तीन ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं संख्या, हम तो आप लोगों को समझाने के लिए ले रहे हैं जी। जैसे मान के दो और हम इसमें तीन ही ले लेते हैं, तो देखिए ये आपको हो गया एक दो और तीन, देखो दो एक से रिलेटेड, यानी दो का इमेज एक और दो का इमेज दो, ऐसे करके हम ले लिए एग्जाम्पल। तो बोलो ये फलन होगा, ये फलन होगा, दम से आवाज नहीं आ रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा फलन, नहीं होगा, एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ एक फलन नहीं है। अब देखो क्यों नहीं फलन होगा, क्योंकि ए का पद डेफिनेशन क्या है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय, अद्वितीय यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका एक ही, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही, तो इसलिए अद्वितीय लगाया है जी। लेकिन ये जो है दो विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जी विरोध, क्योंकि ए में जो एक एलिमेंट दो है उसका दो प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, बी में, तो अद्वितीय हुआ नहीं हुआ, उसका सही शून्य था इसीलिए, समझ गया ना। लेकिन दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब देखो क्यों नहीं होता है, जैसे मान के चलो कि पहले भी तुम लोग बना चुके हो एफ एक्स करके मान दिया रहता था, वन टू करके मान निकालने के लिए, तो क्या वन एगो मान लेकर के दूगो मान प्राप्त आपको हो सकता है, नहीं होगा। जैसे मान के चलो कि एक्स है तो यहाँ पर हम दो लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो, दो होगा ना जी, जी सर। अब पुनः हम दो ले लिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, फंक्शन इस प्रकार से डिपेंड है तो क्या प्राप्त होगा, दो, दो नहीं होगा जी, जी सर। क्या ये जो देखो दो से एक अति आ सकता है मान, अगर इसी फलन को हम एग्जाम्पल मान लिए हैं इस प्रकार से, बोलो अगर हम दो लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो, दो, क्या दो से कभी एक प्राप्त हो सकता है, ना सर, सर जी एक की जगह अगर दो रहता तब यह फलन होता, क्या एक की जगह बी में जो एक अगर मान के चलो कि यहाँ पर हम एक ही रख दे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक रहेगा, यहाँ पर भी एक रख देगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक, है? कि एक से तो आपको दो प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो एक प्राप्त होगा जी, यानी यहाँ पर वही चीज ना है कि अगर तुम दो ले लिया तो अगर फलन इस प्रकार से डिफाइंड है तो आपको दो ही प्राप्त होगा, चाहे दो आप पांच बार लो कि दस बार लो, दो ही प्राप्त होगा, अलग अलग संख्या प्राप्त होगा, दो से कभी एक प्राप्त होगा, जरा इस फलन पर विचार करो तो एफ दो बराबर हम कभी लिख सकते हैं एक, नहीं लिख सकते हैं जी, तो वही चीज ना है, लेकिन एफ दो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं ओनली, लेकिन एक लिख नहीं सकते हैं, यानी दो से जो है एक प्राप्त आपको नहीं होगा, तो वही चीज ना है जी, इसलिए न कह दिया गया है एक प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज किसमें हो, बी में हो, यानी अकेला इमेज बी में हो, एक प्रत्येक एलिमेंट का अकेला इमेज किसमें हो, बी में। खैर उतना एकदम अति में नहीं जाना है, सिंपल रूप से समझो परिभाषा क्या कहता है, एक प्रत्येक एलिमेंट का अकेला इमेज क्या हो, बी में हो, तो देखो एक का प्रत्येक एलिमेंट में दो आया, दो का अकेला इमेज है, दो को इमेज बन गया, इसलिए फलन नहीं होगा, दो एलिमेंट का एक इमेज
हो सकता है, लिखा दिए ना में, लेकिन एक एलिमेंट का दो गो इमेज ना फिगर उतार लो, लिख लो कि ये फलन नहीं होगा क्योंकि ए के एलिमेंट दो का दो इमेज बी में है, समझ गया ना। ये जो है की एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन, समझ गया ना, फंक्शन मतलब फलन, एफ ए से बी में एक फलन, समझ गया ना, एफ ए से बी में एक फलन। देखो इनको ये जो है ना एफ सच डेट ए टू बी, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ए से बी में क्या है एक फलन है। देखो तो पहला जो है कि पॉसिबिलिटी बनता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए होगा सर, हाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो इनका हिंदी हो गया, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, एफ ए से बी में क्या है भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है फलन है, एफ ए से बी में क्या है फलन है, तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या होगा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। तो लिखो एक देखे इनका हिंदी, बोलिए सर, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का एक नंबर का हिंदी में ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का लिखना, लिखना चलो ना रोमन के एक दे दो लिखना चलो, भूल जा भिन्न भिन्न, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, समझ गया ना, यदि एफ ए से बी में फलन है तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। लिख लिए हैं यस सर, दूसरा नंबर आप देखिए, दूसरा नंबर का मोर, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए मे हैव सेम इमेज इन बी, इसका हिंदी क्या हो गया, इसका जो हिंदी हुआ कि देखो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, एक के एक से अधिक, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक हो सकता है, सेम समझ गया ना, या सेम हो सकता है, लिखिए हिंदी, बोलिए सर, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के दूसरा पॉइंट समझ गया ना, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब बी में, एक हो सकता है, अभी लेट करके आया है, जो लिखा रहे हैं लिखते जाओ, ये भी छूटेगा वो भी छूटेगा, क्योंकि ये हम जैसे खत्म करेंगे तो इसको हम मिटाने ही वाले हैं, तो वैसे भी छूटने वाला है, जो लिखा रहे हैं उनको लिखते चलो, एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब देखो बी में एक हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव, देखो इसका हिंदी क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव इज द सेम इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, समझ गया ना, तो बी का जो है प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या होगा सेम होगा, इमेज होगा, इमेज होगा, सेम सम है, सम मतलब क्या होता है कुछ, सम मतलब क्या होता है बराबर, लिखो पॉइंट पॉइंट लिखो, बी का प्रत्येक अवयव एक के किसी न किसी एलिमेंट का, एक के किसी न किसी एलिमेंट का एलिमेंट का इमेज हो सकता है,
लिख लिया है सर। अब देखो इसका चौथा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट क्या है कि देयर में बी सम एलिमेंट इन बी, मतलब बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं विच आर नॉट इमेजेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, समझ गया ना, तो ए के प्रतिबिंब नहीं भी हो सकते हैं, समझ गया ना। लिखिए इसका हिंदी, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो जो सिंपल भाषा में लिखा दे जो ए का इमेज नहीं होगा, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो ए का इमेज नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया कि बी में एलिमेंट जो है बच सकता है, समझ गया ना, लेकिन ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, और लेकिन बी में जो एलिमेंट होगा, बी में जो एलिमेंट होगा वो आपको वो जो है आपको उसमें कुछ एलिमेंट बच भी जाए, इमेज हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यही पॉइंट ये लिखा है, सबको कल फिगर वाइज समझाए थे ना, आज भाषाई के रूप में लिखा दिए, कल भी भाषा लिखाए थे, आज भी लिखा चुके हैं।